उपेन कुशवाहा ने सबके सामने पेश किया नया जातीय जनगणना रिपोर्ट। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। 2015-16 में कुछ जातियों का आंकड़ा जुटाया था, अलग अलग कारण से सरकार जुटाती है, उन कारणों से कुछ जातियों का आंकड़ा सरकार ने जुटाया था और वह जाति है बहेलिया, चंद्रवंशी और माली। इन तीन जातियों का आंकड़ा सरकार के उसी विभाग ने 2015-16 में जुटाया था, सामान्य प्रशासन विभाग, जिस विभाग ने अभी जातीय सर्वे भी कराने का काम किया है। तो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा उस समय जो आंकड़ा जुटाया गया उसका विवरण मेरे हाथ में है। उसके अनुसार बहेलिया जाति 2015 में 67,535 इनकी संख्या थी, बहेलिया जाति की 2015 में, और अभी जो आंकड़ा जारी हुआ है उसमें 8,026। अब सरकार ही 2015 में कह रही है उनकी रिपोर्ट के अनुसार कि बहेलिया की संख्या 67,535 और आज सरकार का दूसरा आंकड़ा कह रहा है कि इनकी संख्या 8,026। ठीक उसी तरह से चंद्रवंशी, जिनको कहीं कहीं कहार भी कहा जाता है, इनकी संख्या 2015 में 30,32,800, 2015 में इनकी संख्या 30,32,800 थी। सरकार का ही एक आंकड़ा कह रहा है और अभी का आंकड़ा सरकार का है 21,55,644। 9 लाख इतने ही दिनों में इनकी संख्या कम कैसे हो गई? अब मालाकार, जो तीसरी जात है मालाकार, इनकी संख्या 2016 में सरकार का ही आंकड़ा है 13,15,665, 13,15,465 और अभी है इनकी संख्या 3,49,285। अब बताइए 2016 और अभी 2023, मालिक मालाकार की संख्या उस वक्त से अभी 10 लाख कम कैसे हो गई? तो यह तो सरकारी आंकड़ा है उस वक्त का और आज का, अब इसके बीच क्या अंतर क्यों इस तरह का है, सरकार को जवाब देना चाहिए। यह जो रिपोर्ट है, दोनों रिपोर्ट अपने आप में विरोधाभासी है और बाकी और दूसरे लोग भी जो परेशान हैं उनकी परेशानी का भी वजह है। अब सरकार का कहना है कि जात की गिनती उन्होंने बताई है और सरकार अब कह रही कि आर्थिक सर्वे भी हमने कराया है, आर्थिक सर्वे करा लिया है, आंकड़े हमारे पास आ गए हैं, कुछ दिनों के बाद उसकी रिपोर्ट हम जारी करेंगे, सरकार का ऐसा कहना है। जब सरकार कह रही कि आंकड़ा जुटा लिया, कैसे जुटा लिया? अब देखिए, हम अपने बारे में कहें, जब हमने कहा कि मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि आप किस जात के हैं तो कैसे आंकड़ा आ गया, तो जनता दल यूनाइटेड कार्यालय की ओर से मेरे परिवार के सदस्यों की संख्या और मेरी जात के बारे में आंकड़ा बताया गया। एक तो सरकार ने ही एफिडेविट करके कहा कि किसी व्यक्ति का जो निजी डाटा है उसको शेयर नहीं किया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड को कैसे मिल गया सरकार का डाटा, कहां से लीक हुआ, यह भी सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन ठीक है, थोड़ी देर के लिए गांव में कोई गया होगा, मेरे परिवार के सदस्यों की संख्या गांव का किसी आदमी ने बता दिया होगा, सही बताया होगा, जात भी किसी ने बता दिया होगा, लेकिन जो आर्थिक सर्वे है, मेरे गांव के किसी व्यक्ति को, मेरे गांव में जो मेरी जमीन है, पैतृक संपत्ति है, उसके बारे में डाटा मालूम हो सकता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का फ्लैट पटना में, दिल्ली में, मुंबई में या और कहां कहां है, या एक फ्लैट है कि 4 फ्लैट है, इसकी जानकारी गांव के लोगों को कहां से मिलेगी कि गांव के लोग बता देंगे? उपेंद्र कुशवाहा को पेंशन विधानसभा से कितना मिलता है, लोकसभा से कितना मिलता है, यह कहाँ से कोई दूसरा व्यक्ति बता देगा? कोई व्यक्ति बिजनेस किसी ने शुरू किया है 10 साल पहले, कोई अचल संपत्ति उसके पास गांव में नहीं है, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में उसकी आमदनी से 10 करोड़ रुपया आ गया,
तो उसके अकाउंट में कितना पैसा है यह कौन दूसरा आदमी बता देगा। और जब तक इस तरह का डाटा नहीं लिया जाएगा हर व्यक्ति से, तब तक जातीय सर्वे कैसे पूरा हुआ मान लिया जाए। तब तक सरकार का यह दावा कि हमने जातीय सर्वे करा लिया है, किस आधार पर जातीय सर्वे हो गया, मुझको पूरी आशंका है कि फिर जात की गिनती जिस तरह से आंकड़े जुटाए गए आनन फानन में, उसी तरह से आर्थिक सर्वे में भी बड़े पैमाने पर सरकार की ओर से गड़बड़ी आएगी, यह बात बिल्कुल साफ है। इसलिए सरकार का जो भी उनकी ओर से जो आंकड़ा जारी हुआ है, उन आंकड़ों को हम खारिज करते हैं। सरकार की यह ड्यूटी बनती है कि लोगों के मन में कोई कन्फ्यूजन है सरकार के निर्णय के प्रति, तो उनके कन्फ्यूजन को, उनके भ्रम को दूर किया जाना चाहिए, यह सरकार की ड्यूटी बनती है।